इस प्रकरण में अन्न के नाम से पृथ्वी ही कही गई है, क्योंकि पांचों तत्वों की उत्पत्ति का प्रमाण है। इसमें बताया हुआ काला रूप भी पृथ्वी का ही माना गया है तथा दूसरी श्रुति में भी जल से पृथ्वी की ही उत्पत्ति बताई गई है। व्याख्या, इस प्रकरण में अन्न शब्द पृथ्वी का ही बोधक है, ऐसा समझना ठीक है, क्योंकि वह तत्वों की उत्पत्ति का प्रकरण है तथा जो अन्न का रूप काला बताया गया है वह भी अन्न का रूप नहीं है, पृथ्वी का ही रूप काला माना गया है। इसके सिवा तेतर उपनिषद में जहाँ इस क्रम का वर्णन है वहाँ भी जल से पृथ्वी का उत्पन्न होना बताया गया है, इसके बाद पृथ्वी से औषधि और औषधि से अन्न की उत्पत्ति का वर्णन है, इसलिए यहाँ सीधे जल से ही अन्न की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है। छांदोग्य के उक्त प्रकरण में जो बात कही गई है, यत्र वक्र च वसति तदेव पुष्टि, यथार्थ जहाँ जहाँ जल अधिक बरसता है वहीं अन्न की उत्पत्ति अधिक होती है, इसका भी यही भाव है कि जल के संबंध में पृथ्वी में पहले औषधि यथार्थ अन्न का पौधा उत्पन्न होता है और उससे अन्न उत्पन्न होता है, ऐसा मानने पर पूर्वोपर में कोई विरोध नहीं रहेगा। संबंध इस प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति साक्षात ब्रह्म से बताई गई है और अन्य चार तत्वों में एक से दूसरे की क्रमशः उत्पत्ति बताई गई है, अतः ये जिज्ञासा होती है कि एक तत्व के बाद दूसरे तत्व की रचना साक्षात परमेश्वर करता है या एक तत्व दूसरे तत्व को स्वयं उत्पन्न करता है। इस पर कहते हैं, उन तत्वों के भलीभांति चिंतन करने का कथन होने से ही तो यह सिद्धांत होता है कि वह परमात्मा ही उन सब की रचना करता है, क्योंकि उक्त लक्षण उसके अनुरूप है। व्याख्या, इस प्रकरण में बार बार कार्य के चिंतन की बात कही गई है, ये चिंतन रूप कर्म जड़ में संभव नहीं है, चेतन परमात्मा में ही संगत हो सकता है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा ही स्वयं ही उत्पन्न करते हुए उस पहले तत्व से दूसरे तत्व को उत्पन्न करता है। इसी उद्देश्य से एक तत्व से दूसरे तत्व की उत्पत्ति का कथन है। उन तत्वों को स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के कार्य कारण बताने के उद्देश्य से नहीं, इसलिए यही समझना चाहिए कि मुख्य रूप से सबकी रचना करने वाला वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वरी है, अन्य कोई नहीं। संबंध इस प्रकार जगत की उत्पत्ति के वर्णन द्वारा ब्रह्म को जगत का कारण बताकर बल अब प्रलय के वर्णन से भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। प्रयर्णेन तु क्रम, किंतु इस उत्पत्ति क्रम से प्रलय का क्रम विपरीत होता है, ऐसा ही होना युक्ति संगत है तथा स्मृति में भी ऐसा ही वर्णन है। व्याख्या, उपनिषदों में जगत की उत्पत्ति का जो क्रम बताया गया है इससे विपरीत क्रम प्रलय काल में होता है। प्रारंभिक सृष्टि के समय ब्रह्म से आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति होती है, फिर जब प्रलय काल आता है तब ठीक उसके विपरीत क्रम से पृथ्वी आदि तत्वों का अपने कारणों में लय होता है, जैसे पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश परमात्मा में विलीन हो जाता है। युक्ति से भी यही क्रम ठीक जान पड़ता है। प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण में ही लीन होता है, जैसे जल से बर्फ बनता है और जल में ही उसका लय होता है। स्मृतियों में भी ऐसा ही वर्णन आता है, देखिए विष्णु पुराण अंश 6 अध्याय 4 श्लोक 14 से 38 तक। संबंध, यह भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कर्म तो बताया गया, परंतु मन बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ, अतः ये जिज्ञासा होती है कि इन सब की उत्पत्ति भूतों से ही होती है या परमेश्वर से। यदि परमेश्वर से होती है तो भूतों के पहले होती है या पीछे, अतः इसका निर्णय करने के लिए कहते हैं।